जयपुर के विद्याधर नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में रोचक मामला सामने आया, जहां पर परिवहन निरीक्षकों की तरफ से चुनाव के लिए एक बस अधिग्रहित की गई थी। जब बस मालिक ने बस देने में आनाकानी की तो जांच की गई। जांच में अलग ही मामला निकला, पता चला कि पूरी बस ही फर्जी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। परिवहन विभाग के अफसरों के सामने एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जयपुर आरटीओ द्वितीय की टीम ने कैसे बस मालिक के खिलाफ विद्याधर नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें ये पाया गया कि बस ही फर्जी है। दरअसल जयपुर आरटीओ द्वितीय धर्मेंद्र चौधरी ने नागालैंड में पंजीकृत एक बस को चुनावी ड्यूटी के लिए अधिग्रहित किया था। बस का पंजीकरण संख्या NL07B0641 है। बस चालक के मना करने पर आरटीओ जयपुर द्वितीय ने सत्यापन के लिए निरीक्षण करने के निर्देश दिए कि बस यांत्रिक रूप से फिट है या नहीं। मोटर वाहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने जांच की तो रिपोर्ट से पता चला कि बस वास्तव में यांत्रिक रूप से फिट नहीं है, लेकिन साथ ही बस से जुड़ी कई गड़बड़ियों की परतें भी खुल गयी। बस में क्या है गड़बड़ी? बस मालिक ने बस में आधा दर्जन किए अवैध परिवर्तन। बस की बॉडी पीछे की तरफ 20 सेंटीमीटर बढ़ा ली गई। छत पर अवैध लगेज करियर लगा मिला। इमरजेंसी गेट स्लीपर से बाधित किया गया था। बस की केबिन में एक सीट और एक स्लीपर अतिरिक्त मिली। डीजल टैंक को बदलकर बड़ा डीजल टैंक लगाया गया। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 के तहत बस जब्त की गई। चेसिस नंबर नहीं लगा तो पुष्टि के लिए टाटा कंपनी से की गई बात। बस निर्माता कंपनी ने कहा इस नंबर की बस उन्होंने कभी बनाई ही नहीं। बस जाली चेसिस नंबर के साथ नागालैंड में पंजीकृत थी। परिवहन विभाग की टीमें पहले भी जयपुर से दिल्ली रूट पर अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं प्रदेश में चल रही बसों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करती रही हैं। अवैध परिवर्तन कर संचालित बसों और फर्जी कागजात जैसे चेसिस नंबर के साथ अन्य राज्यों में पंजीकृत बसों के खिलाफ इस तरह की 9वीं FIR दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में जयपुर आरटीओ द्वितीय धर्मेंद्र चौधरी और उनके अधीन स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जयपुर से दिल्ली रूट पर संचालित करीब 150 बसों पर कार्रवाई। ये बसें स्टेज कैरिज परमिट और डिविजनल परमिट से संचालित थी। दिल्ली के लिए AITP परमिट लेकर स्टेज कैरिज के रूप में थी संचालित। एक बस से 25,000 से 30,000 रुपए की टैक्स चोरी होने का अनुमान। 150 बसों का स्टेट टैक्स के मानदंड के अंतर्गत लाया गया। करीब 100 बसों को अवैध परिवर्तन पाए जाने पर किया गया जब्त। कई के पंजीकरण निलंबित किए गए, अवैध परिवर्तन हटाने पर छोड़ा गया। इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन उड़न दस्तों द्वारा सख्त प्रवर्तन कार्रवाई कर संदेश दिया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जयपुर आरटीओ द्वितीय द्वारा की गई कार्रवाई के प्रारूप को राजस्थान के सभी परिवहन कार्यालय अपनाएं, जिससे टैक्स चोरी रोकने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किए जा सकेंगे। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।